आज हम रिव्यू करेंगे LG के 11 किलो के फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का। ये LG का वन ऑफ द बिगेस्ट वॉशर है। यहाँ पे वॉशर का मतलब मेरा ये है कि ये वॉशिंग और स्पिन के साथ आता है, लेकिन इसमें ड्रायर फंक्शन नहीं है। और इसकी कैपेसिटी 11 किलो होने की वजह से ये मशीन जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों के लिए या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, दोनों के लिए ही काफी काम में आती है। एक समय पे आप बहुत ज्यादा कपड़ों को इसमें धो सकते हैं। ये मैं LG का ही 9 kg by 6 kg का मशीन पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूँ। इसमें दो वेट्स दिए गए हैं क्योंकि इसमें वॉशर के साथ साथ ड्रायर भी है। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये मशीन लिटरली रस्ट होने लगा है, तो इसलिए मैंने फिर दूसरा LG का मशीन लेने की सोची। और रियलिटी की अगर बात करें तो इसका ड्रायर होने के बावजूद भी 10 सालों में मैंने हार्डली इसे 3-4 बार यूज़ किया, तो इसलिए फाइनली ये मशीन खरीदते मैंने डिसाइड किया कि मैं हायर कैपेसिटी के लिए जाऊंगा और विदाउट ड्रायर ही मशीन लूंगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप बॉक्स पे देखें तो ये एक 5-स्टार रेटेड मशीन है और ये 2023 के हिसाब से 5-स्टार रेटेड है। अगर आप बॉक्स में यहाँ पे इसकी MRP देखें तो 65,990 लिखी गई है, लेकिन ये आपको Amazon पे 50,000 रुपए के आसपास आसानी से मिल जाएगी। उसी के साथ जनरली सारे ही मेजर क्रेडिट कार्ड्स पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, 2,000 कभी 3,000, और अगर कोई सेल हो तो ऑफर्स अलग अलग होती है। इस मशीन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपको इस मशीन की लेटेस्ट प्राइस चेक करनी है या इस मशीन को खरीदना भी है तो आप उस लिंक को रेफर कर सकते हैं। सारे ही जो मशीन्स हैं इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम ही आती है, डायमेंशन वाइज भी ये सेम ही साइज में है, बस अंदर के ड्रम की साइजेस चेंज होती है और मोटर की कैपेसिटी। इस बॉक्स को खोले, इसके ऊपर प्लास्टिक के स्ट्रैप्स आते हैं जो मैं ऑलरेडी काट चुका हूं। यहां पे अगर आप आगे की तरफ देखें तो हमें एक स्पैनर दिया जाता है। इस साइड से हम मशीन को फ्लोर पे लेवल कर सकते हैं अगर हमारा फ्लोर थोड़ा अनलेवल्ड है तो। और ये जो पीछे की साइड है इसका भी एक खास काम है, मैं आपको आगे जरूर दिखाता हूँ। मशीन के साथ हमें क्विक रेफरेंस गाइड आता है, ये मशीन का मैनुअल है। और अगर आप अंदर देखें तो हमें ये 2 एंटी स्कीड पैचेस मिलते हैं जिसके पीछे 3M की टेप दी गई है। तो ये हमें, अगर आपका फ्लोर इस तरह से काफी स्मूथ है जिसपे आप मशीन रखने वाले हैं तो फ्रंट लेग्स इन्हें रखना है। अगर आपको ये पैचेस और चाहिए तो ये LG के सर्विस सेंटर से आप मंगा सकते हो। ये एक स्पेयर्स पार्ट है, ये आपको आसानी से उनके पास मिल जाएगा। इससे होता यह है कि मशीन लोड कंडीशंस में स्लिपरी फ्लोर पे भी इधर उधर हिलता नहीं है और स्टेबल रहता है। मशीन को इस तरह से रोटेट करें तो ट्रांजिट के समय यहाँ पे ये लॉकिंग बोल्ट्स दिए जाते हैं। अगर आप इस मशीन की असेंबली और इंस्टॉलेशन खुद ही करने वाले हो, सबसे पहले आपको इन्हें निकालना है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही इस्तेमाल करना है, चाहे वो नई मशीन के लिए हो या अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो, इन नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मशीन को डैमेज ना हो। जनरली इसकी ट्रेन टेक्नीशियन इंस्टॉलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन मार्केट से खरीदें। काफी सिंपल है, आपको बस ये स्पैनर लेना है और इस तरह से इसे खोलना है और ये आसानी से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इन नट्स को निकाल दें, आपको ये होल्स को ये दिए गए प्लास्टिक से ब्लॉक करना है ताकि इसमें चूहे भी ना जाए। रही बात चूहों की, तो ये टॉप मॉडल है LG का, बेसिकली प्लास्टिक का कवरिंग नीचे से इन मशीन्स को प्री इंस्टॉल रहता है। यहाँ पे अगर मैं मशीन को ऊपर करूँ तो ये जो नीचे की तरफ जो प्लास्टिक लगा हुआ है यही रैट के प्रोटेक्शन के लिए कवर है। यहाँ पे प्लग लगाया हुआ रहता है ट्रांजिट के लिए। इसे 15 एम्पियर्स का इंडियन पावर प्लग दिया गया है, लगभग 1 मीटर की वायर मिलती है। उस बात का भी आप ध्यान रखें अगर आप फर्स्ट टाइम इस मशीन को कहीं पे इंस्टॉल कर रहे हो। ये हमारा ड्रेन पाइप है। तो दोस्तों, ये जो ड्रेन पाइप है इसे हमें इस पॉइंट से निकालना नहीं है, यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है नो टेकिंग डाउन, और यहाँ पे फोटो भी लगाया है कि इसे काटना नहीं है ना खोलना है। इसका जो ड्रेन है ये ग्रेविटी ड्रेन नहीं है, मोटराइज ड्रेन है। तो भले ही आपका पाइप इस तरह से ऊपर से जाए, आपके ड्रेन को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। और ये चीजें स्टोरेज के लिए दी गई हैं जब आप इसे स्टोर कर रहे हो। यहाँ पे हमारा जो पानी का इनलेट है उसे हमें लगाना है। अगर आप यहाँ पे मशीन देखे तो देखिए इस फ्लोर पे ये हिल रहा है। ये जो स्पैनर है उसका इस्तेमाल करके ये नीचे के लेग को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। ये मशीन अब पूरा ही स्टेबल हो गया है। आपको इसके ऊपर बबल लेवल देख के ये सुनिश्चित करना है
कि मशीन एग्जैक्ट फ्लैट है। अगर मशीन फ्लैट नहीं है तो इस पे वाइब्रेशंस और साउंड बढ़ सकता है जब ये कपड़े धो रहा है, लेकिन ये आपके लिए एलजी का इंजीनियर कर ही सकता है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप ये सेल्फ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं मेरी तरह। फ्रंट कुछ इस तरह से है, काफी बड़ा ग्लास एरिया दिया है हमें। अगर हम हमारे मशीन का मॉडल नंबर देखें, FHP1411Z9PA पर्टिकुलर मॉडल नंबर है, और यहाँ पे आप देखें तो इसका जो टोटल पावर कंजप्शन है हाईएस्ट वो 2100 वैट्स का है। दोस्तों इसकी मेन फीचर ना सिर्फ इसकी साइज है, लेकिन उसी के साथ इस मशीन को 6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव इन्वर्टर मोटर दी गई है, इसलिए ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है और उसी के साथ ये काफी एफिशिएंट भी है। और इस मशीन में हमें टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है और ट्रू स्टीम, ये भी दो फीचर्स मिलती है। तो टेम्परेचर कंट्रोल ये है कि हम नॉर्मल आने वाले पानी को इस पे 95 डिग्रीज तक गर्म कर सकते हैं, कोल्ड 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 60 और 95, इस तरह से हमें टेम्परेचर की सेटिंग्स दी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टीम का एक ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो इंटरफेस है ये दो सेक्शंस में बांटा गया है। ये हमें एक रोटरी डायल मिलती है जिससे हम इन दिए गए प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पावर ऑन बटन है, उसी के साथ हमारा पॉज एंड प्ले बटन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हमारा टाइमर दिया गया है, और आप ऊपर देखें तो ये ऊपर 4 और ये नीचे 5 अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं जो जलते हैं जब वो चीज एक्टिव होती है तब। और ये कुछ हमारा पावर एनिमेशन है, कौन सा प्रोग्राम सिलेक्टेड है, ये यहाँ पे व्हाइट लाइट दिया गया है। हर प्रोग्राम के हिसाब से पानी का टेम्परेचर, स्पिन का RPM, ये प्री डिफॉल्ट सेट है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टच करें तो आप टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, उसी के साथ स्पिन के RPM को भी सिलेक्ट कर सकते हैं उस प्रोग्राम की रेंज में। आप चाहे तो इसमें स्टीम भी चालू कर सकते हैं या फिर आप स्टीम निकाल के प्री वॉश कर सकते हैं, तो इन प्रोग्राम्स में से एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये नीचे दी गई फंक्शन को आपको इस्तेमाल करना है तो ये टच बटन को आपको 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर सुटेबल प्रोग्राम है तो आप नीचे के भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। चाइल्ड लॉक के लिए आपको इन दो बटन्स को दबा के रखना है। तो ये अब चाइल्ड लॉक हो चुका है, आप देख सकते हैं कि कोई भी मेनू एक्टिव नहीं है। इसमें एक चीज मिसिंग है जो मेरे पुराने मशीन में थी, वो एक फेवरेट फंक्शन है। सारे ही घरों में होता है कि हम सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स रोज धोते हैं, तो आपको बस आके फेवरेट बटन दबा के प्ले दबाना है, तो उससे लाइफ काफी आसान हो जाती है। तो अगर मैं इस टब को खोलूं, यहाँ पे ऊपर की साइड में इन्होंने टब खोलने के लिए हमें ये लैच दिया है प्लास्टिक का, तो काफी बड़ी ये ओपनिंग है, यहाँ पे काफी मोटा ये रबर गैसकेट दिया गया है। तो हमारा पूरा ही ड्रम ये स्टेनलेस स्टील से बना है। अगर हम इसके अंदर देखें तो ये हमें हमारी जो ट्यूब है जिससे हम पानी इसे टैप से कनेक्ट करेंगे वो मिलता है। ये जो ड्रम है ये डायरेक्टली हमारे मोटर से अटैच्ड है, यहाँ पीछे इसकी डायरेक्ट ड्राइव मोटर है। अगर आप ये 4 सेक्शन देखें तो यहाँ पे ये होल्स दिए गए हैं, तो यहाँ से पानी की जेट्स बाहर आती है जिससे ये आपको ज़्यादा सफाई दे सके। तो इस तरह से कम समय में पावरफुल क्लीनिंग मिलती है। ये देखिए कितना झाग बन रहा है। जो नॉर्मल पानी है वो यहाँ ऊपर से आता है और ये जेट्स में से आ रहा है। दोस्तों अगर आपको इस तरह का जेन्युइन और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन मेरे लिए काफी मोटिवेशन का काम करती है। नीचे देखें तो जैसे सारे ही LG के फ्रंट लोड मशीन्स में होता है, यहाँ पे ये एक ट्यूब दी गई है जिससे कि आप इमरजेंसी कंडीशंस में धीरे धीरे करके आपके मशीन के अंदर के पानी को निकाल सकते हो, क्योंकि जब तक आप पानी को नहीं निकालते हो आपका डोर लॉक्ड रहता है। ये इसका फिल्टर है, तो कॉइन्स हो गए या ऐसी बड़ी बड़ी चीजें जो अगर आपके कपड़ों में है तो यहाँ पे वो आके इकट्ठा हो जाती है। इसको जनरली आपको महीने में एक बार निकाल के साफ करना है। तो इस मशीन में फिल्टर यहाँ पे रहता है जो हमारे टॉप लोडिंग मशीन्स में साइड में रहते हैं। यहाँ पे हमें ट्रे दिया गया है, अगर ये पुश बटन दबाए तो आप ट्रे को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्रे में एक खास बात यह है कि सेक्शंस अगर आप देखें, 3 सेक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे सॉफ्टनर को डालना है जो फाइनल रिंस साइकिल में यूज होता है। यहाँ पे हम जो साबुन डालते हैं वो तभी डालना है
जब हम प्री वॉश को सिलेक्ट करते हैं, पुराने जमाने में हम बकेट में साबुन डाल के कपड़े भिगो के रखते थे, ये प्री वॉश है। तो यहाँ पे जो साबुन है ये प्री वॉश के टाइम इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे जो नॉर्मल हम डिटर्जेंट यूज करते हैं या नॉर्मल साइकिल्स के लिए, वो डिटर्जेंट हमें यहाँ पे डालना है। तो अगर आप 2 चम्मच डिटर्जेंट को इस्तेमाल करते हो और अगर आप प्री वॉश करने वाले हो तो आपको 1 चम्मच डिटर्जेंट यहाँ पे डालना है और 1 चम्मच यहाँ पे डालना है। दोनों को मिला के जो जनरली आप इस्तेमाल करते हैं उस क्वांटिटी को आपको स्प्लिट करना है और इस मशीन के साथ इस्तेमाल करना है प्री वॉश के टाइम पे। अगर मैं इसे कॉटन पे रखूँ तो ये AI आता है, और ये AI मैं कहूँगा सिर्फ मार्केटिंग है। ये मेरे 10 साल पुराने मशीन में भी था, तब AI का कोई ट्रेंड नहीं था, अभी हर चीज़ में AI चिपका देते हैं। तो ये फंक्शन काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई इंटेलिजेंस की बात नहीं है। जब आप ये कॉटन साइकिल पे हो, आप मशीन में जितना कपड़ों का लोड डाल रहे हो, ये 11 किलो की वॉशिंग कैपेसिटी वाला मशीन है, अगर आप इसके अंदर कम कपड़े डालो, पहले 2-3 बार ये ड्रम घूमता है, वेट उसका एनालाइज करता है और उसके हिसाब से कितना टाइम लगेगा और बाकी चीजें ये सिलेक्ट करता है, उसे यहाँ पे AI कहा गया है। लेकिन ये फीचर पहले भी थी। तो अगर मैं यहाँ पे प्ले दबाऊ तो ये देखिए, ये एनिमेशन में ये टब लॉक हो गया, और ये अब 1-2 बार घूम के ये डिसाइड करता है कि कितना लोड है, उसके हिसाब से ये टाइमिंग सिलेक्ट करेगा। तो ये AI फीचर बस वही है। तो या आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 आवर 36 मिनट्स का ही वॉश साइकिल आया है। ये वॉश दिखा रहा है, ये रिंस है और ये स्पिन है, ये ऊपर तीनों सेक्शन है। मिनिमम जो इसकी वॉश साइकिल है वो सिलेक्ट की है, तो बस इस AI फीचर से वही होता है। ओवरऑल मशीन की खुद की मोटर ये मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 0 नॉइज प्रोड्यूस करती है और टोटली साइलेंट ये मशीन है। तो आप देख सकते हैं कि वॉशिंग टाइम पे सिर्फ कपड़ों का आवाज़ आता है, मोटर का आवाज़ नहीं आता है, कुछ नहीं, सिर्फ कपड़ों के टंबल होने का ही आवाज़ आता है। काफ़ी साइलेंटली मशीन काम करता है। आप जैसे कि देख सकते हैं अब ये पूरे 1400 RPM पे स्पिन कर रहा है, और ओवरऑल देखें तो ना वाइब्रेशन से ज़्यादा ना ही आवाज़ है, अगर आप वॉशिंग मशीन स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो। अगर कलर की बात करें तो ये ग्रे कलर मैंने लिया है, इसमें एक डार्क ग्रे कलर भी आपको मिलता है, ये 2 कलर ऑप्शंस में से आप चॉइस कर सकते हैं। और एक खास बात अगर आप देखें तो यहाँ पे ये थिन क्यू ब्रांडिंग दी गई है। दोस्तों ये थिन क्यू LG के सारे ही स्मार्ट अप्लायंस के साथ आने वाली ब्रांडिंग है। गूगल होम या अमेजॉन अलेक्सा से भी इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। तो इसकी प्रोसीजर सेटअप करने के लिए काफ़ी सिंपल है। तो आपको ये वाईफाई बटन जो है, जो डिलेड एंड के लिए लिखा है, उसे दबा के रखना है। आप देख सकते हैं अब ये सिंबल ब्लिंक हो रहा है। अब इसे 2.4 GHz फ्रिक्वेंसी से आपको आपके राउटर से कनेक्ट करना है फोन थ्रू। मेरे फोन को मेरे राउटर से कनेक्ट किया है और मशीन को भी मैं वही कनेक्ट करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे ACs यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं, जो इक्विपमेंट ऑफ है वो यहाँ पे ऑफलाइन करके आती है। तो अब मैं ऐड डिवाइस करूँगा, फिर आपको नेक्स्ट करना है, और ये खुद ब खुद नियर बाय डिवाइसेस को असेस करेगा और मशीन को वो खुद ब खुद ढूंढ लेगा। यहाँ पे आपको वापस आपके 2.4 GHz वाईफाई का पासवर्ड डालना है। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि इसे वाईफाई को इस तरह से ऑन कीजिए, लेकिन मैं ऑलरेडी उसे कर चुका हूँ, तो मैं अब नेक्स्ट दबाऊँगा और ये अब कनेक्टिंग टू डिवाइस आ रहा है। कनेक्ट टू अ डिवाइस LG स्मार्ट लॉन्ड्री 2, ये मैं कनेक्ट दबाऊँगा। आप चाहे तो इसका नाम एडिट कर सकते हो, ये अब ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अब मेरा जो ये वाईफाई का ब्लिंकिंग सिंबल है ये अब स्टेडी हो गया है, इसका मतलब अब हमारा मशीन हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है। और ये देखिए नीचे ये मशीन ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे आप मशीन में जाके ऐप थ्रू भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस मशीन का अगर आपको रिमोटली कंट्रोल भी चालू करना है तो ये वाईफाई कनेक्शन होने के बाद आपको ये जो नीचे लिखा है रिमोट स्टार्ट, इसको भी 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। तो हर बार आपको रिमोट स्टार्ट इसको ऑन करना पड़ेगा। ये ऑन करने के बाद मशीन इधर लॉक हो जाता है, और एक बार ये मशीन लॉक होके जब ये ब्लिंकिंग पे जाता है, फिर आप आपके फ़ोन थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड 14 सिलेक्ट करूँ और फिर मैं एक बार का स्टार्ट दबाऊँ तो सारी ही चीज़ें जो मेरे ऐप पे है वो मशीन पे एक साथ आ जाती है। हर बार आपको रिमोट स्टार्ट इसलिए दबाना है ताकि मशीन की सेफ्टी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो,
अगर आपने नॉर्मल मशीन से साइकिल ऑन की है तो आप उसे पॉज भी कर सकते हैं या उसका स्टेटस देख सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप देखिए बहुत सारी यहाँ पे साइकिल्स दी है, उनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ताकि वो आप इस्तेमाल करें। इसी के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप एनर्जी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मंथली वीकली कितनी बार मशीन ने कितनी पावर ली है वो दिखती है और नंबर ऑफ साइकिल्स भी दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है। उसी के साथ स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स का भी सपोर्ट है। अगर अब मैं मशीन को पावर ऑफ करूँ, यू वोंट बी एबल टू टर्न ऑन द वॉशर बैक रिमोटली, यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर टर्न ऑफ करो तो ये मशीन ऑफ हो गया और इसका टब अनलॉक हो गया। दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी तरह से साइलेंटली मशीन वॉशिंग कर रहा है। मैं LG का ही 9 किलोस कैपेसिटी वाला मशीन पिछले 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे भी सेम 6-way मोशन और फैब्रिक केयर टेक्नोलॉजी ही है और डायरेक्ट ड्राइव मोटर ही है, तो ये कपड़ों को काफी अच्छी तरह से धोता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसी के साथ ये कपड़ों के साथ डेलिकेट भी है, तो कपड़े इसमें ज़्यादा धो के ख़राब नहीं होते हैं जो आम वॉशिंग मशीन में रगड़ के होते हैं, तो ये भी एक खास बात है। और डायरेक्ट ड्राइव होने की वजह से साइलेंट और वाइब्रेशन फ्री ऑपरेशन मिलता है। उसी के साथ साथ आपकी पावर एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हम वारंटी की बात करें तो पूरे ही मशीन को 2 साल की वारंटी आती है और जो इसकी डायरेक्ट ड्राइव मोटर है उसे 10 साल की वारंटी हमें LG की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अगर आप चाहें तो एक्सटेंडेड वारंटी सर्विस सेंटर थ्रू या खरीदते वक्त शॉप थ्रू भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।